नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व आज पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। हेमंत विश्व ने सनातन धर्म पर हो रहे प्रहार और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार सनातन धर्म पर दिए जा रहे बयान को लेकर निशाना साधा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गठबंधन का मकसद ही है हिंदू और सनातन को खत्म करना, और यह लोग एकजुट हुए हैं सनातन और हिंदू को खत्म करने के लिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस सनातन धर्म को बचाने के लिए है और हम लोग इस सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं। मैं तो एक सरकारी कार्यक्रम में ही आया हूँ और हमारा कार्यकर्ता को मिल के बहुत खुशी हुआ, जूस बहुत है, अच्छा लगा। देखिए, पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। बताते चलिए कि असम के मुख्यमंत्री नालंदा में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ आईवी टीवी पे। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।